सिंगुलर वर्ब आती है मतलब तू मुझे आज भी करेक्ट करेगी एब्सोल्युटली जब जब तू मिस्टेक्स करेगी मैं तुझे तब तब, तब करेक्ट करूंगी आफ्टर ऑल वॉट आर फ्रेंड्स फॉर डेट्स वाई वी आर बेस्ट थी रे फर्नीचर्स कितने हो गए हैं बाय सम नीचर्स रॉन्ग से बाय सम न्यू फर्नीचर फर्नीचर इज अ नॉन काउंट वर्ड सो नेवर से फर्नीचर्स ओके कंचन एक्चुअली आई डिड इन न्यू अबाउट इट अड इन नो अबाउट इट डिट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है नेवर से डिड इन न्यू डिड इन केम डिड इन ट्वेंट ऑलवेज से डिड इन नो डिड इन कम डिड इन गोचन द पुलिस इज कमिंग नो गिनी से द पुलिस आर कमिंग पुलिस एक प्लूरल नाउन है तो जब एक पुलिस आए तो क्या बोलो अ पुलिस ऑफिसर और अ पुलिस मैन

से यू हैव गिवन नाइस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन भी एक नॉन काउंट वर्ड है तो इसके साथ ए एन नहीं लग सकता और ना ही कभी इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं तो एक इन्फॉर्मेशन कैसे बोलूंगी टू बोल यू हैव गिवेन अफ इन्फॉर्मेशन और दो इन्फॉर्मेशन बोलना हो तो टू पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन अरे वाह कंचन तू हाइट में ही छोटी है बाकी तेरा दिमाग बहुत बड़ा है वॉट डू यू मीन अब मेरा मतलब है आई एम मोर टॉलर देन यू नो क्या हुआ सच बर्दाश्त नहीं हो रहा सच हो रहा है गलत इंग्लिश बर्दाश्त नहीं हो रही है मतलब 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 नहीं, बोल। का है ज्यादा लंबी तो अलग से मोर ऐड करने की जरूरत नहीं है ओके दो आई एम टॉलर देन यू यू आर स्मार्टर देन मी चल ब्रेक टाइम कोई किताब पढ़ते हैं। चल

ओ हो गनी से वेयर आर सीजर्स। क्योंकि इसमें दो ब्लेड्स होते हैं इसलिए ये प्लूरल हुआ तो इसे हमेशा सिजर्स ही बोलते हैं और इसके साथ आर यूज़ होता है

बाई द वे शी हैड अ गुड न्यूज नो गिनी से शी हैड गुड न्यूज जैसे इंफॉर्मेशन एक नॉन काउंट वर्ड है उसी तरह न्यूज भी एक नॉन काउंट वर्ड है तो कभी भी अ न्यूज या अ गुड न्यूज नहीं बोल सकते ओके ओके शी हैड अ पीस ऑफ गुड न्यूज अब तो सही है यस परफेक्ट यू नो वट कैंट उसने कार ली है बट शी ड्राइव्स टू फास्टली अ दैट्स रॉन्ग यही मैंने भी उससे बोला दैट ड्राइविंग टू फास्टली वो सुने तब ना गिनी वो तू देख लेना बट योर सेंटेंसेस वर इनकरेक्ट हाँ। देख फास्टली कोई वर्ड ही नहीं है क्या नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है मैं तो हमेशा से फास्टली बोलती आई हूँ तो आपसे मत बोलना सुन सही वर्ड है फास्ट फास्ट एक एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी जरूरी नहीं कि हर बार एडवर्ब बनाने के लिए वर्ड के लास्ट में एलवाई जोड़ा जाए बिना एलवाई के भी एडवर्ब्स होते हैं ये सब मैं अपने जिंदा स्पोकन इंग्लिश कोर्स में लाइव बताती हूँ आई थिंक तुझे वो कोर्स ज्वाइन करना चाहिए ये कोर्स कब आया तूने मुझे बताया ही नहीं अरे बताया तो था तू भूल गई होगी तो अब ज्वाइन कर ले पर

No guinea, say I agree with you. Agree, कभी नहीं बोलते. Okay, चलना कुछ पीते हैं. क्या लेगी चाय या कॉफी? रुक पहले इनरोल करने दे. Two hours later. कर दिया. आई प्रेफर टी देन कॉफी नो गिनी क्यों? टी नहीं है क्या अरे टी है पर तेरा सेंटेंस गलत है कैसे प्रेफर के साथ टू यूज होता है दैन नहीं से आई प्रेफर टी टू कॉफी ओके कंचन आई मस्ट से यू आर गुड इन इंग्लिश नो गिनी अरे तेरी तारीफ कर रही हूँ एक्सेप्ट कर ले तारीफ एक्सेप्टेड बट रॉन्ग इंग्लिश नहीं से यू आर गुड एट इंग्लिश ओके अरे इतना टाइम हो गया आई एम गेटिंग लेट आई एम गोइंग टू होम कंचन बाय अरे रुक तो क्या हुआ से आई एम गोइंग होम होम के पहले टू नहीं आता ठीक है चल बाय बाकी का कल सिखाना बाय नाव पुट द राइट सेंटेंसिस इन टू प्रैक्टिस वीडियो पसंद आई हो मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो यू कीप प्रैक्टिसिंग जय हिंद